भैया राम राम। अरे भैया राम राम। भैया आप क्या कर रहे हो? भैया हम गौमूत्र फसल पे छिड़कने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा भैया, भैया आप फसल पर गोमूत्र क्यों छिड़क रहे हो? हम भैया जहाँ से छिड़क रहे हैं जी के फसल में रोग वोग नहीं लगे, जी इल्ली मिल्ली भी कम लगत हैं जी और फसल सुरक्षित रहे थे, इसलिए हम छिड़क रहे हैं। जी भैया आप एक गौमूत्र छिड़कवे के लाने कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़त है? भैया हमें एक तो पंप है जी और गौमूत्र की बाल्टी और पानी और ये लकड़ी मिलाने के लिए। अच्छा, ये मिलाने के लिए। हाँ अच्छा भैया, आप जो छिड़काव कर रहे हो इसकी बनाने की विधि क्या है? चलो भैया हम बताते हैं अभी। जी भैया जो है 10 लीटर पानी जी और जो गौमूत्र ज़्यादा है जी मनो जाए में हम 2 लीटर मिले हैं। गौमूत्र हाँ बस। और जा लकड़ी से अपन जाए हिला लें अच्छी हिला तरह। ले हैं और जा में जा छन्नी लगी है, जी जा छन्नी में अपन ने जा है छान लें। छान छान लिया। जो अपने एक पंप तैयार होगा हाँ जो एक पंप तैयार होगा। छिड़क। भैया पानी, मतलब गोमूत्र को पानी में कितनी मात्रा में मिलाते हैं? हम भैया जो करते हैं कि ताज़ा गौमूत्र है तो बाहे 100 ml मिलाते हैं और अगर थोड़ा पुराना 1-2 दिन का हो जाए तो हम 200 ml मिलाते। कितने लीटर पानी में भैया? हम 1 लीटर पानी में 100 ml गोमूत्र मिला दो। हाँ भैया आप गोमूत्र का छिड़काव कौन सी फसल में कर रहे हो? हम भैया सोयाबीन की फसल में कर रहे हैं छिड़काव। अच्छा। हाँ